अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सादी। क्या हाल है आप लोगों के जनाब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी जी, नो बेक ओरियो चीज केक। वैसे तो आपने बहुत तरह के चीज केक बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन इस चीज केक की क्या खास बात है, क्योंकि ये चीज केक है वेरी सॉफ्ट, माइल्ड एंड क्रंची। चलिए फिर बनाते हैं ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का ओरियो चीज केक। यहाँ पे जी मैं 25 ओरियो बिस्किट्स, जो कि दो पैकेट बनते हैं, वो मैंने जी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले जी मैंने दरमियान में से इसकी जो क्रीम है उसको अलग कर लिया नाइफ की मदद से, और जो बिस्किट्स थे उनको जी हमने यहाँ पे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। एक बाउल में हम जी ये सारा बिस्किट पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी जनाब हम यहाँ पे यूज करेंगे 20 ग्राम मेल्टेड बटर। सारे बिस्किट के पाउडर में हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जी 8 इंच बेकिंग टिन विद लूज बेस, और जी बटर पेपर को मैं जी इसकी साइज का कट करके और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूंगी। चीज केक की बेस बनाने के लिए अभी हम जी सारे मिक्सचर्स को इसके अंदर कर लेंगे ऐड, और एक ग्लास की मदद से मैं इसको इवनली अच्छे तरीके से प्रेस कर लूंगी कि कोई भी गैप ना रह जाए। यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही हूँ 600 मिलीलीटर डबल क्रीम, 330 ग्राम यहाँ पे जी सॉफ्ट चीज क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्किट्स के दरमियान में से जो हमने क्रीम निकाली थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी चीज क्रीम में आएगा। अभी जी हम ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम शुगर। जिस रेशियो में मैं आपको बता रही हूँ वही रेशियो इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका चीज केक परफेक्ट आएगा। एंड लास्ट में ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। अभी जी हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने जी इस सारे मिक्सचर को उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये बहुत ही नाइस एंड थिक फॉर्म में ना आ जाए। जब क्रीम अच्छे तरीके से बीट अप हो जाएगी तो क्रीम इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, जो कि परफेक्ट है हमारी चीज केक बनाने के लिए। हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी यहाँ पे 6 ओरियो बिस्किट्स, और इसको जी मैं क्रश कर लूंगी। आप इसको जी पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके का चीज केक में फ्लेवर चाहिए। चीज केक की बेस लेयर हमारी अच्छे तरीके से हो चुकी है तैयार। मैंने 30 मिनट्स के लिए जी इसको रेफ्रिजरेट कर दिया था। अभी जी हाफ क्रीम की मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से लेयरिंग करूंगी और हार्डली प्रेस करके इसको जी अच्छे तरीके से लेयर अप करूंगी मैं। अभी ये स्टेप थोड़ा सा ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जैसे कि हमारा चीज केक है क्रंची ओरियो चीज केक, तो यहाँ पे जी मैं बिस्किट्स की, ओरियो बिस्किट्स की लेयरिंग कर दूंगी एक दफा। बिस्किट्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं जी लेयर अप। अभी जी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जी क्रीम चीज की लेयर करेंगे, इसको जी तमाम जितने भी गैप्स हैं इनमें अच्छे तरीके से करेंगे फिल। फिल करने के बाद जी हम इसको इवनली जी स्प्रेड कर लेंगे। चीज केक को आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं ओरियो का पाउडर यूज कर रही हूँ, ओरियो बिस्किट्स का। अभी आप चीज़ केक को 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने जी ओवरनाइट इसको जी फ्रिज में रख दिया है, और अभी हम जी इसको करते हैं ओपन। जिनको ओपन करेंगे, और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीज़ केक हो चुका है हमारा तैयार, ब्यूटीफुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की नो बेक ओरियो केक रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा। किसी भी बर्थडे के लिए, पार्टी के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए बेहतरीन आइडिया है, और ये ओरियो चीज़ केक इज सॉफ्ट, क्रंची एंड फुल ऑफ फ्लेवर। आप इसको जब बनाएंगे और फिर मुझको जी इंस्टाग्राम पे टैग करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। For more fun and masti, join me on Instagram. And इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जाती दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटें, क्योंकि आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, रब रखा।